आज हम जो पेंटिंग आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक्रिलिक है। हमने उस पेंटिंग को बनाने के बाद उनकी कमेंट उनके लिए हम कुछ कह रहे हैं। उस पेंटिंग को हमने नाम दिया है फिशरमैन डॉग। जो फिशरमैन जाता है फिशिंग के लिए, तो उनके हिसाब से हम ये पेंटिंग हमने बनाई है। जो 16x20 आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, 16x20 का हमने कैनवास लिया है। उस कैनवास पे कैनवास को हम पानी से वेट करके उनके ऊपर कलर लगाएंगे और बाद में ये पेंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले हम लगा रहे हैं, ब्रश से आवाज आ रही है, ब्रश की जो एक्शन है, तो वेट कर रहे हैं पानी से कैनवास को। तो ये नेचर का सीन मिला के फिशरमैन फिशिंग करने के लिए तट पे बैठा है पानी के किनारे पे, तो उनका डॉग जो है वो नीचे के साथ में दिखाया गया है। आप पेंटिंग बनती जाती है तो आपको उनका देखने का मजा मिलेगा। ये हम सब स्क्रीन को वेट करके अब उनके ऊपर कलर लगाएंगे। ये हमारा सब पहला पार्ट होता है, समय लगता है, एक घंटे डेढ़ घंटे तक ये पेंटिंग चली थी। तो ये जो आधा पेंटिंग हमने स्काई बना के उनके ऊपर ट्री झाड़ बना रहे हैं, और उनका आकाश के बाहर का जो जमीन होता है उनके ऊपर जाल लगा रहे हैं। और इस प्रकार से हम धीरे धीरे उनका शेप बना के आगे आएंगे और बाद में फिशरमैन को भी रखेंगे और उनका डॉग को भी रखेंगे। और हरियाली के साथ ये धरती बनती जाती है, देखने का मजा होता है। पानी हमने थोड़ा दिखाने का प्रयत्न किया है, पानी में थोड़ा बहुत झाड़ों का प्रतिबिंब डाल के आपको पानी का अंदाजा अच्छा है, ऐसा अनपानी है ऐसा लगेगा। इस प्रकार से हम ये पूरा डेढ़ घंटा तो हम ये पेंटिंग यूट्यूब पर बता नहीं सकते, हमारा 15 मिनट का टाइम होता है, तो इसके अंदर जितना भी हो सके इतना बताने का हम ट्राई करते हैं। खुशी देने वाली चीज है, हम इस पेंटिंग को देखने से हमारे को खुशी का कुछ एहसास होता है। जीवन के जो सहारे में खुशी बहुत महत्व की चीज होती है, बात होती है, जिससे सारा जीवन अच्छी तरह से कट जाता है। और एंटरटेनमेंट जो होता है, फिल्में भी बनती है ऐसी ऐसी, तो ये देखने से संसार में थोड़ी बहुत जो हल्की पल जो होती है, खुशी की पल, वो हम महसूस करते हैं। जिंदगी की शुरुआत होती है, इसमें कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, और इस प्रकार से अपना जीवन चलता रहता है। इस पेंटिंग हमने सीखा अमेरिका में आके टेलीविजन के सहारे। बॉब रॉस नाम का जो एक पेंटर
यहाँ अच्छी पिक्चर बनाता था, उसको देखते 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 हमने भी ये पेंटिंग बनाने की हमने सीख लिया, ये आर्ट है। अब ऐसी चीज है कि हमारे जीवन का बहुत सुख इनसे हमको मिलता है, पैसे की कोई बात नहीं होती है, मगर खुशी रखने वाली चीज ये है, हमको भी खुशी मिलती है और देखने वालों को भी खुशी मिलती है। और जहां तक ये पेंटिंग रहती है वहां तक सब खुश रहते जाते हैं, देखते हैं खुश रहते जाते हैं। इस प्रकार खुशी और जो शांत चीजें होती हैं जीवन के अंदर, वो हमारा जीवन अच्छी तरह से का जीने का सहारा बनती है और हम अच्छी तरह से हमारा जीवन बिता सकते हैं। जीवन की ऐसी पले भी आती है कि जिसके अंदर बहुत से दुखों ही हो जाते हैं लोग, तो कभी कभी ये बहुत सारे, देखो अब हम नीचे की धरती बनाने का ट्राई कर रहे हैं, ये पानी भी हमने दिखाया और ये पेंटिंग बनते बनते हम इसमें इतने वो हो गए थे कि धीरे धीरे लाइट बाहर डे लाइट कम होती गई, मगर हमने हमारा लाइट जलाया नहीं, तो ये पेंटिंग पूरी हम दिखा नहीं सकेंगे क्योंकि अंत में कुछ लाइट नहीं दिखती है। तो इस प्रकार पेंटिंग बनती जाती है, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। जो फिल्में दिखाई जाती है वो भी खुशी का माध्यम होता है, फिल्म देखने से कभी हम हमारे गम जो होते हैं वो सब भूल जाते हैं, भगवान के अंदर ध्यान लगाने से भी हम हमारे गम को भुला सकते हैं। शांत होने की जो बात होती है वो यहाँ से भगवान के साथ से भी मिलती है, रिलीजियसों के भी मिलती है, हमारा धर्म हमारा अच्छा कर्म करते करते हम चले जाते हैं तो जिंदगी जीने में बहुत राहत मिल जाती है। और ये जो पेंटिंग है हम एक्रेलिक में बना रहे हैं, तो हमने पहले भी दो पेंटिंग बनाई थी, वो भी हम इसमें थोड़ा बहुत दिखाने का प्रयत्न करेंगे, और भी हमारी कितनी पेंटिंग बनी हुई थी उनको भी दिखाने का अंत में प्रयास करेंगे। ये 15 मिनट का टाइम हमारा जो होता है उनके अंदर हम पेंटिंग बनने के बाद आपको इसके बारे में कुछ दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो बॉब रोस ने वो बहुत पेंटिंग बनाई, ऑयल में बनाते थे, मैं भी ऑयल में बनाता हूँ, तो कभी कभी कहीं से भी हम पिक्चर का कोई दृश्य लेके उनको पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उनके ऊपर सब सब्जेक्ट रखने का प्रयत्न करें, कभी कभी आदमी भी रख देते हैं, कभी कभी जो एनिमल्स हैं उनको भी रखते हैं, कभी कभी आर्ट्स में वुमन भी आ जाती है, कभी कभी जो भी चीजें होती हैं उनको दिखाने का प्रयत्न करते हैं, हमारी स्किल से जितना भी हो सके हम दिखाने का प्रयत्न करें, जितनी भी अच्छी हो सके हाईलाइट बना के। देखो अभी लाइट कम होने जा रही है, ये दूसरा पार्ट शुरू हो गया, तो हम हमारी लाइट चलाने का भूल गए थे, तो बस पेंटिंग बनती ही गई, हमको पता ही नहीं चला, और लाइट डे लाइट बाहर की लाइट जो है सूर्य प्रकाश जो कम होता गया, तो फिर अंत में पेंटिंग बनी नहीं, पूरी नहीं दिखा सकेंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये पेंटिंग, ये इसका दूसरा पार्ट है। ये पेंटिंग पूरी हुई वहां तक का तो हम दिखा नहीं सकेंगे, बाद में वो लाइट के हिसाब से लाइट
पूरी डिम हो गई थी, तो कुछ नहीं दिख नहीं रहा था, तो उनका हमने हिस्सा काट दिया था। ये जो है हम ट्री बना रहे हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा छोटा सा उनका ढाल बना के उसके ऊपर जाल लगा रहे हैं। अब जो सामने वाला नदी का जो किनारा है, वो जो तालाब का किनारा, तालाब है नदी है कुछ ऐसा, हमारा तो हमने पानी रख दिया है, हमको पता नहीं क्या है, मगर वो बन गया है। वो आप देख सकते हैं, वो तालाब होता है, नदी होता है जहाँ मच्छी होती है, तो उसके किनारे पे हम ये फिशरमैन का एक स्पॉट नक्की करके वहाँ उनको हमने उनको बिठा दिया था। ये आप अभी थोड़ा बहुत देखोगे तो दिखाएगा, मगर फिशरमैन हमने बनाया, उनका कुत्ता भी नीचे रख दिया, वो भी बनाया, मगर वो हम दिखा नहीं सके क्योंकि लाइट के हिसाब से लाइट डिम हो गई। तो फिर बाद में हमने वो जो पेंटिंग बना तो उनका हमने वीडियो बनाया था, तो वो हम आपको दिखाएंगे। उधर पूरा कुदरत का संग, अभी लाइट डिम होती जा रही है, तो पूरा हम दिखा नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे 15 मिनट तक ये पेंटिंग चलेगा, और 15 मिनट तक का हमको समय मिलता है हमारा पेंटिंग दिखाने का। अगर पूरा घंटा का पेंटिंग दिखाना हो तो उनका सब पार्ट में डिपार्ट करके हमको दिखाना पड़ता है, मगर हम आपको इस प्रकार से हिंदी में उनका वो करके, हिंदी भाषा, हिंदी भाषी सब पूरा जास्ती लोग देख सके, इसलिए हिंदी भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं। देखो ये जो वीडियो हमने बनाया है, वो पेंटिंग बन जाने के बाद फिशरमैन बिठाया है वो किनारे पे, वो सब हरियाली लगा के डॉग नीचे रख लिया है। इस प्रकार से पेंटिंग हमने बनाया। अब आप देखोगे तो दूसरा ये पेंटिंग पूरी हुई पेंटिंग, डॉग का वीडियो, डॉग का जो सीन है, डॉग बने रखा है हमने, तो उनका हम दिखा रहे हैं, उनका वीडियो हमने लेके, तो पूरा अच्छी तरह से आपको दिखाई सके। तो बाद में अभी जो होगा वो ये जो है पेंटिंग बन गई। देखो ये फिशरमैन का डॉग है, उनको फिशरमैन्स डॉग्स उनका टाइटल हमने दे दिया। इस प्रकार से पेंटिंग, अब ये दूसरी हमारी पेंटिंग है, ये सी का सीन है, ये भी एक पेंटिंग हमारी है, आखिर हमने बनाई थी, ये भी एक हमारी पेंटिंग है, आप देखते जाओ। और ये भी हमने सन का बनाया था, और ये भी मॉर्निंग का टाइम है, उनकी पेंटिंग हमने बनाई थी, और ये भी एक सीन और सीस्केप है, ये इवनिंग का टाइम है, वो हमने एक पेंटिंग बनाई थी। और ये अभी हमने हिंदी में उनके ऊपर कहा था पहले, और ये भी हमने एक पेंटिंग बनाई थी। इस प्रकार ये हमारा 15 मिनट का टाइम समाप्त हो गया, और हम फिर मिलेंगे। और नमस्ते, अगर आपको उनके बारे में कुछ चाहिए तो हमें हमारी ईमेल, जो हमारी यहाँ ईमेल रखी है, तो उसके ऊपर हमको दिखाइएगा, तो हम आपको आप हमारा कांटेक्ट ईमेल के द्वारा कर सकते हैं। ये पेंटिंग हमने हमारी गैलरी में रखी है, अगर आपको चाहिए उनकी डीवीडी, तो डीवीडी 10 डॉलर का हम कीमत रखते हैं। आप हमारी ईमेल पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, आपको ये पेंटिंग
अच्छी लगी होगी, हम पूरी पेंटिंग दिखा नहीं सके, इसीलिए आपसे माफी चाहते हैं। फिर अच्छी पूरी पेंटिंग अच्छे अच्छे हिस्सों में बनाने की दिखाने का और प्रयत्न हम करेंगे, और आगे भी अच्छी से अच्छे से अच्छे हिंदी में उनका वो करके आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।